वो ऐसा है ना, कभी कभी बच्चे जो मन पसंद करते हैं तो उनको मन पसंद ही दे देते हैं खाना। अच्छा, हम लोग किसी बच्चे कुछ पसंद है तो उसको हम बनवा देते अलग से, जैसे बच्चों को घर में ना लगे कि हम घर में नहीं है। मैं आपको बता दूं बहुत सीरियसली बात, कि कोई भी एकेडमी वाला आपको पेड़े पनीर नहीं खिला सकता है। अगर चेंज खाना नहीं मिल, मैं बोलता हूँ मैं आपको 10 दिन पनीर दे दूंगा तो 10 दिन आप पनीर बिल्कुल नहीं खाओ। होटल के बच्चे क्या नाम है आज चो कैसे चो आपकी ड्यूटी लग गई क्या आपको हैं? मजा आती है क्या? भाई नमस्कार सभी को, और बहुत सारे बंदों के कमेंट्स आ रहे थे हमारे वीडियो में कि सर मेस का वीडियो दिखाइए, तो आज हम आपको लेकर आए हैं और आपको दिखाने वाले मेस का वीडियो। आज खाना भी थोड़ा तगड़ा बन रहा है, ठीक है, देखते हैं। और कई हमारे स्टूडेंट भी लगे हुए हैं और हमारे मेस मालिक भी हैं, आइए देखते हैं खाना। नमस्कार सर। नमस्कार, आज क्या बन रहा है? आज छोला है और खीर है। छोला खीर है, हाँ ये छोला है, ये छोला है, हाँ, और ये खीर है। हाँ, डेली का चेंज रहता है ना? डेली का चेंज रहता है। अभी तो सारे बच्चे, कम से कम लाखों बच्चे खाना खा के मेरा तो जानते हैं कप्पू टिफिन वालों को, वैसे भी सारे भारत के लड़के आते हैं यहाँ से। बिल्कुल सही बात है। और शायद कोई ऐसा बच्चा होगा जो कप्पू टिफिन वालों को नहीं जानता। हमारे स्टूडेंट भी हैं बेटा, खाना आप लोग हमारा खाना खाते हैं, ये कप्पू ये खाना खाते हैं ना, कोई दिक्कत आती है? एक्चुअली मैं बच्चों को इसलिए लेकर आया कि हम वीडियो में ये भी जानेंगे बच्चों से, क्योंकि ये बच्चे हमारे, कोई हमने इनको पढ़ाया लिखाया नहीं है, ये खाना खाते हैं। बहुत सारे बंदे हैं खाना खाते हो ना? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? दो सर, कोई दिक्कत नहीं। ये सर यहाँ से थोड़ा हॉस्टल से थोड़ा दूर में है कैंटीन, और यहाँ से टिफिन में पूरा गरम गरम अभी बन रहा है, और अभी 20 मिनट बाद खाना पहुँच जाएगा गरम गरम, पूरा पैक होके। ये दिखाइए, ये पूरा पैक होके, ये रोटियाँ इधर पैक होती हैं और ये सब्जी है और ये छोले ऐसे बनती हैं। ये हॉस्टल के बच्चे क्या नाम है? आज कैसे आपकी ड्यूटी लग गई क्या यहाँ पर है? मजा आती है क्या? और ये इधर देखिए सब काम करने वाले वर्कर लगे हुए हैं, और इधर आ जाओ। ये बताइए कि डेली का सब सेम खाना रहता है ना? काम वगैरह चेंज हो जाता है। अरे ये बात है, जो हमारे यहाँ बच्चों को खाना जाता है होटल में तो वो अलग चेंज ही रहता है। नहीं, खाना वो ऐसा है ना, कभी कभी बच्चे जो मन पसंद करते हैं तो उनको मन पसंद ही दे देते हैं खाना। अच्छा, हम लोग किसी बच्चे कुछ पसंद है तो उसको हम बनवा देते अलग से, जैसे बच्चों को घर में ना लगे कि हम घर में नहीं है। अच्छा, एक बात ये बताएं, रोड फाइल खाना, जैसे कोई बच्चे चावल नहीं खाते, चावल नहीं खाते हैं तो उनके लिए अपना रोटी बढ़ जाती है, अलग चीज बोल दी जाती है उनकी, उनको अलग थोड़ा सा बनवा, जैसे बच्चों को कभी ना लगे कि हम घर पे नहीं है, पूरी उनको हर चीज की सुविधा है हम देते हैं खाने खाने के रिलेटेड में। और खाने में सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है? हम लोग खुद इतने हैं लोग जो सफाई इतना रखते हैं, आप लोग खुद ही देख रहे हो सफाई के, बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लीन, कोई भी चीज की गंदी चीज नहीं। और एक चीज हम आपको बताने वाले हैं, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सारे जो एकेडमी वाले यूट्यूब में वीडियो डालते हैं पनीर वगैरह के, बहुत जिस दिन वो पनीर वगैरह बनता है उस दिन के वीडियो डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो भाई मैं आपको बता दूं बहुत सीरियसली बात, कि कोई भी एकेडमी वाला आपको पेड़े पनीर नहीं खिला सकता है। अगर चेंज खाना नहीं मिल, मैं बोलता हूँ मैं आपको 10 दिन पनीर दे दूंगा तो 10 दिन आप पनीर बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। तो चेंज खाना मिलता है हर दिन, हरी सब्जियाँ, कहीं आलू मटर, कहीं आलू पालक, कहीं दाल है, कहीं कुछ है, कहीं अंडा है, कहीं पनीर है, कहीं छोला है, कहीं कुछ है, तो सारा हफ्ते का चेंज मिलता है और खाना स्वादिष्ट मिलता है। बशर्ते ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमारे खाना बनाने वाले सर हैं, हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं और बच्चे इनकी तारीफ भी करते हैं, जो हमारे ऑफिशियल बच्चे करते हैं उनके लिए तो विशेषतर, क्योंकि तेल मसाला उसी हिसाब से डाला जाता है, क्योंकि इनका पेट भी ना खराब हो, तो सारी चीज़ें मायने रखती हैं। अगर खाने वाला अच्छा नहीं है तो बच्चा फिर दौड़ेगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा, रेस भी क्वालिफाई नहीं करेगा। तो हम इनका बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छा खाना देते हैं, और खाने के साथ साथ ये बच्चों को सारी चीज़ों का ध्यान भी रखते हैं कि हमें बच्चों को कौन सी चीज़ देनी चाहिए जिससे बच्चों को प्रोटीन वगैरह वो सारी चीज़ें मिले खाने में, जो हमारे बच्चों को रनिंग के दौरान ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी तैयारी करना है और खाने के विषय में आपका कोई कमेंट्स है तो आप हमें कमेंट्स में नीचे बता सकते हैं, क्योंकि खाने वाले ने तो कोई ऐसी गलती नहीं की जिससे आपको प्रॉब्लम हो। अगर आपको भी तैयारी करना है तो आप आ सकते हैं, हॉस्टल की सुविधा है और खाने की बेस्ट सुविधा है और गर्म खाना मिलता है आपको, और हफ्ते में चेंजमेंट सारे खाने का होता रहता है। आप देख सकते हैं वर्कर सभी लगे हुए हैं खाने के लिए, अभी ये गर्म हो देखो बन भी रहा है, और ये गर्म होने के बाद 20 मिनट बाद हमारे बच्चों के पास पहुंच जाएगा। ये बच्चे हमारे खड़े, आ जाओ पास आ जाओ,
क्यों कितने कितनी देर बाद खाना पहुंच जाता है? खाना चाहता है ना, बहुत टेस्टी आता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको भी खाना खाना है और तैयारी करना है तो जाके सकते हैं जेडी फिजिकल एकेडमी।